हो गया। हम मौजूद हैं नगर निगम में और यहाँ पर कांग्रेस शेयर कांग्रेस शुद्धिकरण यज्ञ करने जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है पिछले 5 सालों में उसका शुद्धिकरण होगा। हमारे साथ में शेयर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज जाजानी जी हैं। भाजपा बताइए क्या है ये यज्ञ का, क्या कारण करना पड़ रहा है आपको? देवास की जनता ने 5 साल नरक के भोगे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, घोटालों की भरमार इस नगर निगम में हुई है और जनता को जो सुशासन मिलना चाहिए था उसके लिए कुशासन भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने दी है। और जो मुखिया होता है उसने वो तांडव किया है जो देवास की जनता बरसों बरस नहीं भूल पाएगी। क्योंकि कल उनका अंतिम दिवस था कार्यकाल का, कांग्रेस जनों ने अपेक्षा की है कि यहाँ पर जिस तरीके का भ्रष्टाचार, जिस तरीके घोटाले, जितना पक्षपात, चाहे वो आर्थिक घोटाला हो, मन मुटाव हो, जितना सब कुछ हुआ है और अला बला भूत प्रेत इन सबको भगाने के लिए और देवास की जनता को सुशासन देने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हो और जनता की सुने यहाँ के पदाधिकारी, भविष्य में जो भी सरकार यहाँ की बनेगी, किसी भी पार्टी की बने, पार्षद कोई भी नया चुन के आएंगे, वो कम से कम जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो बने उनका। इस हेतु आज यहाँ पर हमने गंगा जल से छिड़काव करने का भी निर्णय लिया है। क्योंकि बहुत सारे अपवित्र काम जो देवासी जनता को पसंद नहीं थे वो यहाँ हुए हैं और गृह शांति, जितने नेताओं ने अमंगल कार्य किए हैं देवास के जनता के खिलाफ, वो सारे कामों की शुद्धिकरण के लिए आज हमने आह्वान यज्ञ 11 पंडितों करा रहे हैं। वो गंगा जल का छिड़काव का तात्पर्य ये है कि आज से पवित्र मन से देवास की जनता का सेवक यहाँ पर आना चाहिए। हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा जो आज का यज्ञ है, हमारी सुनवाई है, माँ चामुंडा, परमात्मा ईश्वर वाहेगुरु अल्लाह अकबर हमारी सब सुनेंगे कि हम, हमारा जो उद्देश्य हो उसमें हम सफल हों, ऐसी हम कामना करते हैं। तो ये थे शहर अध्यक्ष मनोज राजानी जो शुद्धिकरण यज्ञ में शामिल होने जा रहे हैं। और साफ कहना है कि नगर निगम भ्रष्ट हो गया था, जिस वजह से जैसा आप देख सकते हैं ये यज्ञ की वेदी पूरी बनाई गई है और यहाँ पर यज्ञ शुरू होने जा रहा है। Yeah.
जय 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 जय